दोस्तों काफी टाइम से मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने बिना स्किप किए। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। फिर उसके बाद आपको इस थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद देखिए आपको 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, तो आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर ये आप सब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर दिया हुआ इफ़ यू डिलीट दिस अकाउंट, मतलब यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है। देखिए पहला इसमें लिखा हुआ था अकाउंट विल बी डिलीटेड फ्रॉम व्हाट्सअप एंड ऑल योर डिवाइस, मतलब जो आपका अकाउंट है ना वो जितनी भी डिवाइस में लोगे ना वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है योर मैसेज हिस्ट्री विल बी इरेज्ड, मतलब जो भी आपके डाटा होगा इसमें जिससे आप चैट वगैरह करते हो वो सब डिलीट हो जाएगा। फिर उसमें लिखा हुआ है यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल योर व्हाट्सअप ग्रुप्स, मतलब जितने भी आपके ग्रुप होंगे व्हाट्सअप पे हर किसी में से आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाओगे। उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट दिया है योर गूगल ड्राइव बैकअप विल बी डिलीटेड, मतलब जो आप गूगल ड्राइव पे बैकअप लेते हो वो भी डिलीट हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट दिया है डिलीट योर पेमेंट इन्फो, जो इसमें पेमेंट इन्फो का था वो भी डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है इसमें चेंज नंबर, अगर आपका मूड चेंज होता है, अगर आप चाहते हो अपना व्हाट्सअप अकाउंट डिलीट ना करें तो यहाँ से आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे कंट्री, तो यहाँ पे जिस भी कंट्री में आप रहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरा इंडिया ऑलरेडी है, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं बैक आ जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, तो देखिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने अपना नंबर डाल दिया है। फिर उसके बाद आपको इस डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपसे रीज़न पूछ रहा है आप क्यों डिलीट करना चाहते हो, तो देखिए मैं यहाँ पे रीज़न कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि आई एम डिलीटिंग माई अकाउंट टेम्प्रेरी, मैं वाला रीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए पूछ रहा है वाई आर यू लीविंग टेम्प्रेरी, तो यहाँ पे आपको रीज़न देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे ही ब्लैंक रहने देना है। फिर उसके बाद आपको इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए ये आपसे बोल रहा है अगर आप अपना व्हाट्सअप अकाउंट को डिलीट कर देते हो तो जितना भी आपका डाटा है वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, मतलब जब भी आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करोगे बोले तो, जब भी आप अपने अकाउंट को मतलब दोबारा से उसी नंबर से बनाना चाहोगे तो आपका अकाउंट बंद तो जाएगा बट जो डाटा है वो रिकवर नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जैसे आपने कोई पेमेंट की है व्हाट्सअप पर और वो पेंडिंग में है फिर वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने मन बना लिया है अपने अकाउंट को डिलीट करने का तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप से रिलेटेड तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी संकेत1666। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी टाइप्स की वीडियो सुनाता रहता हूँ।